अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है ना, ध्यान से देखिएगा और वीडियो जरूरी है शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो मेरी गारंटी है, जब आप वीडियो देखेंगे हैरान रह जाएंगे। जब मैंने खुद देखा था तो मैं खुद हैरान रह गई, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने अपने घर के हर फर्द से अलग अलग इस वीडियो को क्रॉस चेक करवाया कि इस वीडियो को देखिए ये ठीक है, ये जो है सेम है। और क्या वो मैंने क्रॉस चेक करवाया, ये आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे आपको समझ आता जाएगा। मैं सच में अभी तक हैरान हूं कि आखिर ये कैसे, ये सवाल अब तक बनी पड़ी है। खैर, वीडियो की तरफ चलते हैं। हैरान इसलिए मैं रह गई क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया, मतलब मेरे साथ वो मामला हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरे साथ ये मामला हो गया, यानी कि चोर उल्टा आकर के मुझे जो है, समझ गए। आपके स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ। आपके स्क्रीन पर दो वीडियो चल रही है, ध्यान से देखिएगा और दोनों वीडियो में जो लड़की है उस पर ध्यान दीजिएगा, गौर से दोनों को देखिएगा। ये दोनों वीडियो जो है एक ही लड़की की है। तसल्ली ना हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये तसल्ली जरूर कर लीजिएगा कि ये दोनों वीडियो जो है एक ही लड़की की है, एक ही लड़की ने ये दोनों वीडियो बनाया है। और जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर मेरी वीडियो चल रही है, ये कुछ दिन पहले ही मैंने डाली थी, जो भगवा लव ट्रैप पर मैंने बनाई थी। ये लड़की अपने आप को भगवा लव ट्रैप का शिकार बता रही थी और अपने आप को ये गोद में एक बच्चे को ली हुई थी, बच्ची को, छोटी सी बच्ची को ली हुई थी, जिसमें ये बता रही थी कि इसको किसी ने जो है, एक लड़के ने धोखा दिया, शादी का बहाना किया, होटलों में जाके ये सबूत कलेक्ट कर रही थी और जो है खुलेआम जो है ये अपनी वीडियो को वायरल करने की बात कर रही थी, शेयर करने की बात कर रही थी। तो आपकी ये वीडियो वायरल कर दें आपकी? हाँ, ये वीडियो वायरल कर दो। हाँ, ये वीडियो वायरल कर दो। हाँ, ये वीडियो वायरल कर दो। और इसके साथ जिसने ये, जिस बहुसंख्यक समाज के एक लड़के का नाम ले रही थी, जो मैं वीडियो आप देख लेंगे, मैं इस वीडियो का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने बनाई थी। और इस लड़की ने जो जो कहा उस वीडियो पे है पूरी फुल वीडियो इस लड़की की, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में इसने कहा था कि मेरी इस वीडियो को वायरल कर दो। और उस वीडियो में ये जो है उस लड़के का नंबर, उसके घर वालों का नंबर, सबका नंबर, खुद अपना नंबर भी ये दे रही थी कि ये सबका नंबर है। और ये जो है इंसाफ की गुहार लगा रही थी, उस बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए किसी को बता रही थी, कोई इसकी वीडियो शूट कर रहा था। और उसमें इस लड़की ने जो कहा कि उस लड़के पर ये केस करना चाहती है क्योंकि ये जो है उसे धोखा देकर किसी और अपने समाज की लड़की, यानी कि इसे हिंदू समाज की लड़की से वो शादी कर रहा। और जैसा कि आप सभी को पता है अभी भगवा लव ट्रैप काफी जोरों पर चला है, तो सारे जो जितने यूट्यूबर्स हैं वो सारे लोग इसमें जुड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। मैं भी भगवा लव ट्रैप पर वीडियो बना रही हूं ताकि जो बच्चियां और हमारी बहनें गाफिल हैं इस ट्रैप से वो उनको पता चले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए भी बोल रही हूं कि जो है हमारी बच्चियां इस भगवा लव ट्रैप से बची रहें ताकि उनकी जिंदगियां जो है वो सेफ रहें। और इस लड़की की जो वीडियो बनाई थी मैंने, वो वीडियो बनाने का भी मेरा वही मकसद था कि मैं इसकी दरअसल मदद करना चाह रही थी कि ये भी जो है एक लड़की शिकार हुई और इसके वीडियो के जरिए अपनी दूसरी बहनों और बच्चियों को एक लेसन भी देना चाह रही थी कि देखो इसका अंजाम क्या हुआ। अब ये लड़की जो है ये मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में मुझे एक अपनी बनाई हुई वीडियो भेजती है, ठीक। इसने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है और चूंकि वीडियो में आपको वो उसकी, इसने जो मुझे डीएम में जो वीडियो भेजी है मैं आपको पूरी वो वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उसमें आवाज का प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपको जो है वो मैंने वर्ड बाय वर्ड लिख कर रखा है जो इसने मुझे बोला, मैं आपको पढ़कर भी सुना दूंगी क्योंकि जो इसने बोला है वो आपको सही से समझ नहीं आएगा क्योंकि इसको जो है वो शऊर नहीं है कि जो अपनी वॉल्यूम अप करनी होती है दूसरे की वॉल्यूम लो करनी होती है, तो इन मैडम को शऊर नहीं है, तो आपको ज्यादा उसमें मेरी ही बात सुनाई देगी। ये मैडम जो बोल रही है वो आप सही से समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए, लेकिन इसकी वीडियो मैं पूरी दिखा रही हूँ, आप पहले पूरी इसकी वीडियो देख लीजिए फिर इसने जो कहा है मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। ये जो वीडियो आपको मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो को पूरी देखिएगा और आपसे गुजारिश है मेरी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज। भगवा लव ट्रैप का मामला चल रहा है और ये आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी, यही है भगवा लव ट्रैप का मामला। मासूम लड़कियों को जो है फंसाना, उनकी जिंदगियां बर्बाद करके उनको बीच चौराहे में लाकर इस तरह से फेंक देना कि ना उनको अपने घर वाले सुन करते हैं और ना ही उनको समाज को सुन करते हैं। गुजारिश है इस वीडियो में जो है उस लड़की ने पूरा डिटेल में बताया अपने बारे में, फोन नंबर। तो आपको समझ ही नहीं आया होगा इस मैडम ने क्या बोला, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इसने जो कहा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो ये मैडम जो है वीडियो में कह रही है, मेरे से कह रही है, मैडम ये जो वीडियो आप डाल रही हो बिना मतलब के अपने चैनल को सब्सक्राइब के लिए, व्यूज के लिए, अपने चैनल को आगे लेकर जाने के लिए, तो ये बहती गंगा में हाथ मत धो, ठीक है।
क्योंकि ये हमदर्दी नहीं है। अगर आपको हमदर्दी होती तो मैंने अपना नंबर उस पर डाला है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके मेरा हाल चाल पूछती, ठीक है? तो ये काम मत करो, हमें हमदर्दी है या कुछ है, सिर्फ अपने फायदे के लिए, किसी और के फायदे के लिए नहीं है। दिखावा मत करो, खासकर तो मेरी वीडियो के साथ तो मत करो, और किसी के साथ करना है करो। झूठी तसल्ली, झूठी बातें अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ऐसा काम मत करो। तो ये दुनिया को पागल बनाने का काम मत करो, बहती गंगा में हाथ धोना बंद करो। बस ये सारी चीजें इसने मेरे से कही हैं। जी हाँ, इस मैडम ने मेरे से कही हैं, जो कुछ दिन पहले एक बच्ची को गोद में लेकर आकर रोना धोना कर रही थी। तो इसके पहली बात का मैं जवाब दे देती हूँ, तुम जैसी घटिया और मुर्तद लड़कियां ना इस्लाम और मुसलमान को बदनाम कर रही हो। दूसरी बात, हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तुम जो कर रही हो ना उससे कई लाख गुना अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे काम का और तुम्हारे काम का कोई मुकाबला कंपैरिजन है ही नहीं। अब बात आती है बहती गंगा में हाथ धोने की, तो बता दूं शायद ये जो बहती गंगा में हाथ है ना, तुम धो रही हो भगवा लव ट्रैप का सहारा लेकर। शायद वो एक अच्छा लड़का और उसकी फैमिली को तुम अपने ट्रैप में फंसा कर बदनाम कर रही हो, उस अच्छे लड़के को भगवा लव ट्रैप का सहारा लेकर। अब जो है ना ये नफरती चिंटू, मेरे कमेंट बॉक्स में आके ये सब ऐसी है, सब ऐसे नहीं है, एक दो ऐसे निकलते हैं घटिया टाइप, बात समझ आ रही है? तो इसको लेकर ना वावेला चिल्ला चिल्लम चिल्ली शोर मत मचा देना मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? और हाँ, सारे को एक बार में लात मारकर पता है ना क्या करती हूँ, गटर में फेंक दूंगी, समझ आई? अब जब आप उसके इस लड़की के इंस्टाग्राम रील देखेंगे ना, तो आपको बखूबी समझ आ जाएगा कि ये जो है किस टाइप की है। वो जो गोद में लेकर एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची को लेकर रोना धोना जो कर रही थी ना, पता नहीं ये जिस लड़के पर इल्जाम लगा रही थी उसका है भी की नहीं, या फिर किसी और के बच्चे को गोद में लेकर के उस लड़के को और उसकी फैमिली को जो है तुम बदनाम कर रही थी। अब तो यही समझ आ रहा है, क्योंकि तुमने जो कहा ना कि ये मैं बहती गंगा में हाथ धो रही हूँ और फला दमा जो जो मैंने सुनाया, क्योंकि अगर सच में तुम भगवा लव ट्रैप का शिकार होती तो ये सब उलझलूल फजूल बकवास वीडियो बनाकर मेरे से नहीं करती, यानी कि तुमने झूठ बोला था। वो फैमिली को, उस लड़के को तुम बदनाम कर रही थी भगवा लव ट्रैप का सहारा लेकर, है ना? यानी कि तुम एक नंबर की झूठी हो। अब बात आती है, इसने जो कहा हमदर्दी मुझे होती या ये या वो, ठीक? तो इसने जो फोन नंबर शेयर किया था अपने खुद का, और जो दो नंबर इसने शेयर किया था, मैंने उस पर कॉल करके देखा, दोनों ही नंबर फेक, ठीक? उस पे कॉल नहीं लगी। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जिस लड़के को ये बदनाम कर रही थी ये औरत, हो सकता है कि इतना ज्यादा उसको परेशान किया गया होगा कि उन लोगों ने अपना नंबर चेंज करा लिया होगा। उन लोगों की तो समझ आती है, लेकिन इस मैडम की समझ नहीं आती कि इसका नंबर क्यों नहीं लगा। तो मैडम यूट्यूबर हूँ, बात समझ आ रही है, सच को प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। ये आकर नई नई वीडियो बना दिया और किसी पर भी कुछ भी बोल दिया, बहती गंगा अच्छी हो, प्रूफ ये वो, ये सब बकचोदी मेरे पास नहीं चलती, प्रूफ के साथ सामने रखती हूँ चीजों को, समझ आ रही है बात? तो ये मैडम इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं, और ये जो इनके रंग ढंग देखकर आप कुछ समझ आएंगे, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैडम इंस्टाग्राम पे रील बना रही हैं, सारी जो है वो रिसेंट वीडियो हैं, और इसके वीडियो की कुछ मैंने स्क्रीनशॉट जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये मैंने तकरीबन शायद फ्राइडे को 11 बजे रात को लिया था, यानी कि उस वक्त जो वो टाइम था वो 17-18 घंटे दिखा रहा है, जो मैंने मांग भी किया है, देख सकते हैं आप। लेकिन अभी जब आप इसकी वीडियो चेक करने जाएंगे तो शायद ये कुछ और नए वीडियो अपनी डाल चुकी होगी। तो झूठ फरेब मक्कारी, किसी को झूठ बोलकर फंसाना, सब मैडम ये कर रही है, और बिल फाड़ रही है मेरे ऊपर कि मैं जो हूँ व्यूज लाइक्स और पता नहीं क्या क्या बटोर रही हूँ, अपने आप को अच्छा साबित कर रही हूँ, हमदर्दी झूठी हमदर्दी दिखा रही हूँ। भैया क्या बोलूँ, खैर जाने दीजिए। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों से मैं भगवा लव ट्रैप पर ही वीडियो बना रही थी, तो इंस्टाग्राम में मुझे किसी एक भाई ने डीएम करके इस लड़की की वीडियो भेजी थी, और मुझे कहा था कि ये भी लड़की जो भगवा लव ट्रैप का शिकार हुई है, इसकी भी मदद कीजिए आप, इसके लिए भी आप वीडियो बनाइए। तो मैंने वो इसके लिए वो वीडियो बनाई थी। तो मैडम जवाब तो अब तुमको देना है, मुझे तो जवाब कुछ देना नहीं है, क्योंकि मैंने खुद तुम्हारी वीडियो रख कर सामने जो है वीडियो बनाई थी। जवाब अब तुमको देना है कि तुम जो उस लड़के को बदनाम कर रही थी, उसकी फैमिली की जो नंबर शेयर कर रही थी और बोल रही थी वीडियो वायरल कर दो, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए, और जो है वो रोना धोना कर रही थी, धोखाबाजी हो गया, और होटलों में से जो है, होटलों में पता नहीं तुमसे कौन से कुकर्म कर रही थी उस लड़के के साथ, और उसके बाद होटलों से सबूत इकट्ठा कर रही थी, प्रूफ इकट्ठा कर रही थी। तो जवाब तो तुमको देना है लोगों को, है ना? अब तक तो लोग तुम्हें सच में तुम्हारे ऊपर हमदर्दी कर रहे थे, कुछ तो लानतें भी भेज रहे थे। जाकर मेरे यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में जो वीडियो पड़ी है उसको देखना, कितनी लानतें मलामतें तुम पर हुई हैं, ठीक ना? कुछ हमदर्दी भी कर रहे थे, मैंने तो हमदर्दी में बनाई थी कि शायद तुमको कहीं से कुछ हो जाए, लेकिन तुमने ये जो मुझे डीएम में जो अपनी वीडियो भेजी ना, इस वीडियो ने तुम्हारा खुद झूठ और मक्कारी का पोल
खुद खोलकर तुमने अपने हाथों से रख दिया कि तुम एक झूठी मक्कार फरेबी औरत हो और जो है बहती गंगा में खुद हाथ धो रही हो और रो धोकर नाटक करके एक बच्ची को गोद में लेकर अपने आप को बेचारी और बहुत अच्छा साबित कर रही हो, जो कि तुम हो नहीं। पूरे प्रूफ के साथ ये मैंने प्रूफ कर दिया और अपने आप को बेचारी मासूम तुम खुद साबित कर रही हो, जो कि तुम बिल्कुल हो नहीं। और तुमने अपना पोल खुद अपने हाथों से खोल दिया मुझे डीएम करके अपनी एक घटिया सी वीडियो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हुए भेज कर। आई बात समझ? खुद अपने पोल तुमने खुद खोली, मैंने नहीं। तो तुम जैसी मुर्तद और घटिया औरत पर हजारों बार लाखों बार लानत भेजती हूँ और जो है थूकती भी हूँ तुम्हारे मुंह पर। बात समझ आ रही हो? थूकती भी हूँ। और तुम जैसी घटिया औरतें मैं तुम लोगों को इस्तेमाल करके अपनी व्यूज और लाइक्स बढ़ाऊं, इतने बुरे दिन मेरे आए नहीं, समझी? तुम्हारी जो इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें तुमने अपना जो रील बना रखा है ना, वो साफ साफ बता रही है कि तुम क्या हो। और शायद तुम उस वक्त भी वही होगी और जब उस लड़के को तुम्हारी असलियत पता चली तो वो तुमको छोड़कर अपनी जान बचाकर अपनी इज्जत बचाकर भागा होगा। सच ये होगा और ये तुमने खुद साबित किया। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो है इन जैसी झूठी घटिया मक्कार औरतों का पोल सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग तो इसकी मदद करने की सोच भी रहे होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत आगे तक गई, इंस्टाग्राम में भी मेरी वीडियो काफी पहुंची है और यूट्यूब पर भी इसकी वीडियो काफी शेयर हुई है और कुछ लोग इसकी मदद करने के लिए कितनों ने फोन नंबर्स पर ट्राई भी कर लिया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड में अपनी वीडियो एक छोटे से नोट पर खत्म करूंगी कि इन जैसी झूठी मक्कार औरतों से बचे रहिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।